शहर में आपराधिक गतिविधियों के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार की सुबह लखड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इतवारी चौक स्थित नंगा पुतला के पास एक सब्जी विक्रेता को अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेसमेंट में एक शव सड़ी गली अवस्था में दिखाई देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस निरीक्षक पराग पोटे ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में शव मिलना जैसे आजकल एक ट्रेंड हो गया है। बीते कुछ दिनों पहले ही तहसील पुलिस थाना अंतर्गत एक कार की डिक्की में शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसकी गुत्थी अभी सुलझी ही थी कि ऐसा ही एक और मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह लखड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इतवारी चौक स्थित नंगा पुतला के पास एक सब्जी विक्रेता को अंडर कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेसमेंट में एक शव सड़ी गली अवस्था में दिखाई दिया, जिसके पश्चात सब्जी विक्रेता ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके चलते तुरंत ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और शव की जांच कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही अब इस मामले में आगे की जांच जारी है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक पराग पोटे के साथ ही प्रत्यक्षदर्शी ने भी अधिक जानकारी साझा की। नारायण निकारे पांडुरंग, कसं माहित पडला की बॉडी तिकडे पडली? आम्ही दुकान लावाले आलो सकाळी 8:30 वाजता, मग हे सगळे बाजारवाले पावाले मध्ये जा म्हणे, का पडला काय नाही, कुत्रा पडला का माझ्यात पडली आहे म्हणून तिथं पाहुणे आहे म्हणे। तर मग मी खालतं गेलो, मी तळगडच्या खालतं एकदम, तर त्या टाकेच्या बाजूमध्ये आहे ना, ते मला दुरून पायरीवरून ते बॉडी दिसली मला। काय काय त्यानंतर पोलिसांना कोणी इतला केला? ते बाजूवाल्यांना कोणीनं तरी फोन लावला का इथं बॉडी बुडी पडली आहे, तर म्हणे कोणी म्हणे आभे पाडलेले नाही तर कोणाला तरी सांगा म्हणे। काय बॉडीच्या ओळख पटली आहे का, कोण आहे काय? नाही ओळख नाही साहेब, त्याच्या अंगावर आहे ना ते काळा आईल दिसला मला ना, वासी ना असं पडला होता लंबा। इतवारी नेहरू पुतळ्याजवळ एक निलेश पटेल यांचं कॉम्प्लेक्स आहे, ते निर्माणाधीन आहे। एक भाजीपालावाल्याला काहीतरी स्मेल आला म्हणून त्यांनी पोलीस स्टेशनला कळवलं। पोलीस स्टेशनचे अधिकारी PSI बारांगे आणि PSI मसराम हे आणि PSI कोरडे असे तत्काळ घटनास्थळी गेल्यावर त्या प्रिमायसेसमध्ये अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीमध्ये बेसमेंटमध्ये एक डिकम्पोज डेड बॉडी पडलेली मिळून आली। प्राथमिकदृष्ट्या ती बघितली असता कोणती जखम वगैरे दिसून येत नाही, तरी पण पुढील तपासाअंती काय नेमकं कशामुळे मृत्यू झाला हे कळून येईल। सर किती दिवसापूर्वी असेल ती काय सांगता येते का? ती 3 ते 5 दिवसाच्या पूर्वीची असू शकते। त्याच्याजवळ काही संशयित कपडे, त्याचे स्वतःचे कपड्याचं गाठोडं आणि पैसे मिळाले, त्यावरून तो भिकारी असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे। त्या दृष्टीने तपास सुरू आहे। डॉक्युमेंट्स वगैरे मिळून काही ओळख पटली आहे सर, कोण असावा कुठला असावा काही? नाही। बता दें कि प्राथमिक जांच में शव के पास से एक कपड़ों की पोटली और पैसे बरामद हुए, जिससे व्यक्ति भिखारी होने की प्राथमिक खबर मिली है। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। Thank you.